गर्मी में देखे जूस पी रहे हैं, क्या करें, गन्ने के जूस आज इस समय मिल रहा है। और जैसे ही हम लोग किला के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ इस तरीके से इनको तैयार करके बैठा दिए हैं पैसा के लिए। बताइए, मतलब गरीबी के वजह से लोग क्या क्या करते हैं। इन लोगों को देखकर इतना मतलब दुख लगा, मन में इतना दया आया। और ये पूरे लाइन लगे हुए थे, यहाँ पास इतने लोग हैं ना मांगने खाने वाले, बहुत ज़्यादा लोग हैं। इन बच्चों को देखकर सच में बहुत मतलब मन निराश सा हो गया था। ये लोग पैसा मांग रहे थे तो जिससे जितना बनता है दे के जा रहे हैं, ऐसे नहीं हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हैं, चढ़ के अंदर जाना है किला के अंदर। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए और आप सबको किला के अंदर देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं और यहाँ ना चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, एकदम आराम आराम से हम लोग चढ़ रहे हैं। और ये किला बोलते हैं अकबर ने बनवाए हैं, पर इसके अंदर जो किला के अंदर ग्राउंडिंग यहाँ पास ये देख रहे हैं, इसके अंदर में मतलब अंदर ग्राउंडिंग बहुत सारे देवी देवताएं हैं जो हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है, तो वो सब के अंदर में है। पर वो देखने को नहीं मिलेगा आप सबको क्योंकि वीडियो नहीं बनाने दिए हैं। और यहाँ ये सबसे शुरू में ये है राधा कृष्ण का मंदिर है, तो यहाँ पास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं घूमना फिरना। तो बने रहिए आप सब लोग भी वीडियो में हमारे साथ, तो आप सबको ज़रूर अच्छा लगेगा देखने के बाद से। और जो लोग नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंदर किले के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, कितना सुंदर दृश्य है। और ये तो देखिए इसको कैसा बना हुआ है। तो हम लोग जो अंडरग्राउंडिंग देवी देवताएं हैं अंदर में नीचे, इसके नीचे वाले तल में हैं, तो वहां से घूमकर आ गए हैं। वहां ना कोई वीडियो ना ही कोई फ़ोटो शूट करने नहीं देते हैं वहां, मतलब जगह जगह में कैमरा लगा है, तो ऐसे भी नहीं है कि लुका छिपा के बना सकते हैं वीडियो, तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग गए अंदर दर्शन किए और आ गए और यहाँ पास फ़ोटो शूट चल रहा है। और ये वट वृक्ष है तो यहाँ परिक्रमा लगा ले रहे हैं हम तीनों चारों एक साथ। बाहर से दिखा और इधर से गए थे हम लोग और नीचे अंडरग्राउंडिंग है, उसमें बहुत सारे भगवान हैं, तो नीचे में कोई वीडियो कोई फोटो लेना नहीं है, सब मना किए हैं, इसलिए हम लोग नहीं लिए हैं। और घूम के इधर से परिक्रमा करके करते हुए इधर जैसे निकल आए, ये देखिए हम लोग। और यहाँ पास किला के अंदर जा रहे हैं जहाँ पास घूमने देते हैं। और मौसम इतना अच्छा हो गया है यहाँ पास, एकदम से बहुत अच्छे मौसम हो गए हैं, लग रहा है बारिश होने वाली है। तो गर्मी से कुछ राहत मिली है नहीं, यहाँ बहुत 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 ज़्यादा गर्मी थी। इधर से निकल, इसके ऊपर जाने देंगे, इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, तो किनारे किनारे इसके बॉर्डर के किनारे किनारे जाने देंगे। वाह यार, इतने अच्छी हवा चल रही है, अभी राहत मिल रही है गर्मी से, सही में पसीना में सब नहा लिए हैं। पहले तो वहाँ जाके घाट में स्नान किए हैं, फिर पसीने में। इधर जा रहे हैं, ये देखिए नीचे ऐसी नीचे 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 घूमते 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 नीचे। अच्छा इधर ऊपर दिखाती हूँ ना, ये देखिए ऊपर अभी इसमें जो सैनिक लोग हैं ना,
बहुत सारे लोग रात में देखने को मिले हैं। किला के साइड साइड देखने को मिलेगा। चलिए कहाँ से मिलेगा? यहाँ पास क्या है? गार्ड रहते थे सुरक्षा के लिए, जो इतने छोटे इसमें बंदूक लगा के अंदर में जा करके ऐसे देखे, अच्छा निशाना लगा के खड़े रहते। पिक्चर वगैरह में नहीं देखते हैं? जो बॉर्डर पिक्चर में देखे होंगे। हाँ, बॉर्डर में भी लगे रहते हैं। जो काहे झांसी की रानी की जब कहानी बनी थी तो वही की तो बनी थी, ये झांसी किला की थी। रीनी नहीं आ रही तो देख रहे। अच्छा नीचे से ये बहुत बड़ा वो दिखता है, वो अलग है, वो दीवार ना, दीवार है जो बड़ा दीवार, और फिर इसके बाद ये दीवार है, किला है। तो अंदर में आने के बाद ये देखिए किला के चारों तरफ से कुछ इस तरीके से ये जो दिख रहे हैं ना जाली, ये जाली लगे हुए हैं, और इसके बाहर बाहर आप घूम सकते हैं इस तरीके से। अंदर में नहीं जाने दे रहे हैं, मेरे को लगा जाने देते हैं तो नहीं जाने देते हैं। और भारतीय सेना के जवान वहाँ मतलब 24 घंटा ड्यूटी में लगे रहते हैं चारों तरफ। बस ऐसे बाहर में घूम सकते हो, बाहर में फ़ोटो ले सकते हो, अंदर में जाना कोई अलाउ नहीं है। तो बाहर से कुछ इस तरीके की दृश्य, और ये बहुत बहुत कई सौ सालों पुराना किला है जिसको अकबर ने बनवाए थे, लेकिन इसके अंदर जब हम लोग दर्शन करने गए, जो अंडरग्राउंड है वहाँ, तो वहाँ देवी देवताएं हैं, जहाँ हिंदुओं का आस्था, जिसको कहते हैं हिंदुओं का आस्था होता है वो है। तो बहुत अच्छा लगा अंदर में जाने के बाद, और मुझे बहुत खल रहा था कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, पर जो नियम कानून है उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं। और बस इस तरीके से हम लोग दर्शन किए, कम से कम नहीं 2 से 3 घंटे तक घूमे हैं यहाँ हम लोग। सुबह से स्टार्ट हो जाता है, 5 बजे तक बोल रहे हैं, और दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं बाहर साइड में। और वहाँ से आने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से संगम का दृश्य दिखता है यहाँ ऊपर से लिए हैं तो, और बहुत अच्छा लगता है सच में यहाँ, बहुत अच्छा। और यहाँ के जितने जगह हम लोग घूमे हैं तो सबसे अच्छा मेरे को ये किला लगा है, और संगम में स्नान करना, दो चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ। और बस आज का वीडियो यहीं तक, मैं कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो, एक अच्छे वीडियो के साथ। और वीडियो तो ओनली 2 दिन ही शूट किए थे, 2 दिन ही रहे हैं हम लोग शनिवार रविवार, लेकिन 2 दिन में छोटा छोटा क्लिप करके डाल रही हूँ। वीडियो बहुत सारी है तो शायद एक आध वीडियो और देखने को मिले, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए हम लोग तो घूम लिए और आप सबको भी घुमा दिए हैं। वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये वही किला है जिसे घूम कर आ रहे हैं हम लोग, तो इधर आने नहीं दिए हैं हम लोग को, किसी को नहीं आने देते हैं।